रोजाना की तरह आज भी हम आपको दिखाएंगे एक नई खोज, एक नई खबर। ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबर से हवाला। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देख आपका चैनल, आपकी आवाज 24 घंटे। लखनऊ उत्तर प्रदेश सूफी संत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अब्दुल वहीद चिश्ती साहब यहाँ पर आई मुस्लिमों की बातचीत सुनते हुए। आपकी क्या परेशानी है बताइए आप। नमस्ते जी, मैं नरेश देवी जौरीपुर से बोल रही हूँ। जौरीपुर के रहने वाली हूँ। मैं इतनी मजबूर, इतनी लाचार, इतनी परेशान हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं पहली सबसे बड़ी समस्या मेरी क्या है कि मैं हूँ अटैक की मरीज। हार्ट अटैक है? हाँ जी। और दोनों में अभी भी हम मजदूरी करते थे, मेरा अटैक पड़ गया तो जी। और पति मेरे पैरों से बेकार है। हम इतने परेशान हैं कि दाने दाने को मोहताज हैं, खाने को परेशान, दवाई के परेशान, रहने के लिए मकान नहीं, किराए भी नहीं पटा पाते, करें तो क्या करें बताओ। आप किससे प्रार्थना करना चाहते हैं? प्रार्थना करना चाहते मोदी जी से जी। मोदी जी ने जो वादे करे थे, जो सपने दिखाए थे, आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ जी। आप अपनी समस्या बताएं, कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नाजिया है, मैं पालगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ग्रेजुएटेड लेडी हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही है। प्लस जॉब मिलती है तो उसके लिए वो मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कहाँ ट्राई की है आप? सर अब सबसे पहले तो मोदी जी के कार्यालय ऑफिस गई थी, तो वहाँ पर उनसे मिलने की परमिशन ही नहीं दी गई। फिर वहाँ पर मौजूद लोगों ने क्या कहा आपसे? उन्होंने सिर्फ यही बोला कि अभी वो अवेलेबल नहीं है, अभी वो नहीं मिल सकते आपसे। चलिए और बताइए जी। और सर मोदी जी के लिए हमने इतना कुछ किया है कि जो लेडी से मैं मुस्लिम जाति से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने मुस्लिम जो लेडी से जो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, मैंने उनके लिए उनको भी बाहर लेके गई हूँ साथ में उनकी हेल्प के लिए कि चलिए आप चलेंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। प्लस दलित महिलाएं बहुत सी, मतलब वोटिंग कराई आपने महिलाओं को ले जाकर? बिल्कुल सपोर्ट करा बीजेपी को, बट सर रिस्पांस पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। बिल्कुल जैसा उम्मीद की थी उस टाइप का कोई अभी तक कोई रिस्पांस नहीं, ये प्रॉब्लम है सर। तो आप क्या किनसे क्या प्रार्थना करना चाहती हैं इस माध्यम से? सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मोदी जी से कि प्लीज़ हेल्प करें लेडीज़ों की, और जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे लेडीज़ों की से कि हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, लेडीज़ों के लिए फैसिलिटीज दी जाएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी। सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा कुछ करें महिलाओं को। जैसे कि आपने बताया कि मैं ग्रेजुएट हूँ जी, तो व्हाट इज़ योर होप? सर एक होप यही होती है कि हम एक सक्सेसफुल मतलब बिजनेस कर लें या कुछ भी कुछ ऐसा करें कि जिससे मतलब हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, सेल्फ डिपेंड रहे। व्हाट इज ऑफ योर सब्जेक्ट ऑफ द एजुकेशन? Any diploma you have? Yes, sir. Which is diploma you have? Sir, I am graduation, 12th pass from Uttam. चलिए थैंक यू। मैं बोल रही हूँ अंजलि देवी, मेरा गांव मक्खनपुर है, आगरा से बिलोंग करती हूँ, और मैं काम की तलाश में आई हूँ दिल्ली में। पर क्या कहते हैं हमारा आदमी का, मेरा पति का भी काम नहीं लगा, वो मजदूरी करते हैं, बिंदारी करते हैं, 10-15 दिन हो गए उन्हें बिंदारी नहीं लग रहा बारिश के वजह से, और हम भी इधर उधर घूम रहे हैं काम के लिए, और मुझे भी कहीं काम नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे तीन, वो भूखे प्यासे इधर उधर रह रहे हैं, मकान मालिक का भी किराया रुक गया, वो भी रोज़ इल्लाता चिल्लाता है। और मैं चाहती हूँ कि मोदी जी कुछ ऐसा करें लेडीज के लिए, उन्हें भटकना नहीं पड़े इधर उधर। तो आपने भी इनकी तरह से मोदी जी को सपोर्ट किया था? हाँ मैंने भी सपोर्ट किया था। नमस्ते जी, और मेरा नाम जैतून है, मैं मुस्तफाबाद में रहने वाली हूँ, और मेरा बच्चा इतना परेशान है कि बहुत ज़्यादा, मैं जहाँ भी जाती हूँ उसके नौकरी के बारे में आज तक उसकी कोई किसी ने सुनवाई ना करी, और मैं इतनी मजबूर हूँ कि किराए पर अपना घर चलाती हूँ, और खाने तक कोई परेशान हूँ मैं। मेरा आदमी किराए पर रहती हैं? किराए पर रहती हूँ जी। और मोदी जी का यही कहना है कि गरीबों को घर मिलेगा, आज तक तो सपने लिए बैठे हैं, देखो वो सपना कौन से दिन पूरा होगा, तो उस दिन का इंतजार है हमें। और हमारे मजदूर जो पति है सारे दिन मजदूरी करके आकर जब अपना पेट पलता है हमारा।
आप अपने एक विकलांग बेटे के बारे में बता रही थी। विकलांग बच्चे के लिए जहाँ भी कोई बोलता है वहाँ चले, कोई सुनवाई नहीं करता हमारी की कोई सुनवाई करे। आज कितना बड़ा बेटा है, कहाँ तक पढ़ा लिखा है? बीए करे हुए बच्चा है। कितनी उम्र है उसकी? है अगर 19 साल का। विकलांग पैरों से है हाथों से है? पैरों से है। उसका विकलांग सर्टिफिकेट बनाया आपने? नहीं बनवाया? हाँ विकलांग सर्टिफिकेट है। है उसका? ठीक। ऊपर में थोड़ा फेस कट रहा है। हाँ ऐसे घुमा दे और कट कर।